आरिन बेटा प्लीज खाना खा लो। दादी दादी खिलाएगी। दादी अभी एयरपोर्ट गई है श्रुति आंटी को लेने के लिए। दादी आ गई, 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 आ गई आ गई। दादी बैठो। अरे हाँ हाँ। दादी थक गई। देखो कौन आया है। अपनी श्रुति आंटी से गले नहीं मिलोगे? श्रुति आंटी। अरे मेरा बच्चा कैसा है? श्रुति आंटी आपके लिए ना एक गिफ्ट लेकर आई है। सी? श्रुति आंटी गिफ्ट लाई। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ। ये लो तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। लो बेटा, सिद्धार्थ को गए पूरे 6 साल हो गए हैं। कब तक इस पहनावे में? तुम्हारी भी जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो। मम्मी जी लेकिन 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 कुछ नहीं। आज शाम को मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। वहां तुम इनमें से एक साड़ी पहन के आओगी, समझी? हेलो सिस, व्हाट अ सरप्राइज। हाउ वाज द फ्लाइट? इट वाज स्मूथ। हाउ वाज यूएस? एज यूजुअल। लेकिन तुम अचानक कैसे? मम्मी ने बुलाया ना, कुछ बात करनी है। मैं समझ गया क्यों बुलाया। मतलब? तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे भाई करो ना। पल्लवी पल्लवी। मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई। कोमल कॉफी टेबल पे रखे और अंदर जाओ। आर्यन बेटा आप भी अंदर जाओ। श्रुति मैंने तुम्हें एक पर्पस से बुलाया है। आदित्य ने बताया मुझे और आदित्य का जो कहना है वो सही है। अरे तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं समझना है मम्मी, आप जो चाहती हो वो मुझे मंजूर नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। क्यों? वो आपका स्टूडेंट है ना सिकंदर, उसने ना, प्लीज जल्दी आइए जल्दी। अरे ओ गॉड। कोई आगे नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। सुन बेटा मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। मैंने यूएस की टिकट बुक कर ली है और मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बात सुन ना बेटा, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं है और मेरे जाने से पहले एक तो ना ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बंद करो आप। बात बात में कुछ नहीं हुआ है आपको, कहीं नहीं जा रही हो आप। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी सजा या तो मेरी मौत है या ये देश छोड़ के चले जाना। ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना। अरे नहीं बेटा मेरी बात सुन तो। Enough of this drama. My answer is no, and I'm leaving next week. पापा पापा, सच बताना, आज आपका ऑफ है ना? हाँ, जिस दिन पापा के पास केस नहीं होता, पापा ऑफ। चार्ट है उल्लू। हाँ, और जिस दिन केस आता है, पापा ऑन। तो मैं क्या बोल रही हूँ? अपना जो पास वाला मॉल है ना, वहाँ क्या मस्त कार्टून फिल्म लगी है? अच्छा? फॉक्स किंग ऑफ द जंगल देखने चले? ये चल, जंगल का राजा फॉक्स थोड़ी होता है, शेर होता है। अरे लेकिन इस कार्टून फिल्म में शेर डरपोक है ना। फिर मम्मा को लेके जाना। क्यों? उसको डरपोक शेर बहुत पसंद है। चलो ना बाबा। देख बेटा मैं फिल्म देखने आता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ।
पता सिर्फ सोना ही मत ना। नहीं नहीं वो बिल बची, देखो कौन आया जो। सुनील केलकर जी, आप कौन? रिया पाटिल। अरे रिया, अरे तुम ऐसे अचानक, मतलब अपना पुलिस ट्रेनिंग के बाद अभी मिल रही हो, बिल्कुल फिट हो। मैं बात कर रहा, अंदर आओ ना, अंदर आओ। गौरी वाइफ। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ बैठो। प्राइवेट बात करनी। तो टेरिस आओ। आई, ये कौन थी? ये तुम्हारे पापा की एक्स गर्लफ्रेंड। गुड, लेकिन एक बात बताओ, इतने सालों बाद मुझसे मिलने की वजह? ये देखो, ये है विनीता कपूर, इंडिया के टॉप 10 वेपन एक्सपर्ट में से एक। पिछले 7 दिनों से लापता है और हमें शक है कि इसी ने पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे वेपन डिजाइन को शेयर किया है। नहीं, लेकिन हम लोग तो वेपन डिजाइन नहीं करते, हम तो इंपोर्ट करते हैं ना। करते थे, पर अब हम भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे वहां के स्पाई हमें मैसेज भेज रहे हैं कि हमारी इंडियन वेपन डिजाइन को शेयर किया जा रहा है, और हमें शक है कि इस डिजाइन को इस औरत के जरिए शेयर किया जा रहा है। वेपन डिजाइन मतलब? वेपन मींस ऑटोमेटिक राइफल डिजाइन, व्हिच आर बेटर देन एनी AK-56। ग्रेट, सैलेड टू मेक इन इंडिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, विनीता ने ये डिजाइन अपने दुश्मनों को क्यों दी होगी? समझाती हूँ। ये है सिकंदर अंसारी, और हमें शक है कि विनीता कपूर को इसी ने हनी ट्रैप किया है। ये फोटो देखो, और विनीता के गायब होने के एक दिन पहले विनीता ने गवर्नमेंट कंप्यूटर से सारी वेपन डिजाइन को कॉपी किया था। ये सिकंदर का आता पता है तो यहाँ पे फोर्स भेज दो। हाँ, पर फिलहाल वो वहां पे नहीं है। लेकिन कोई तो होगा जिसने इसको देखा होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना सीक्रेट मिशन हैंडल कर रही थी तो इंटेलिजेंस की इसके ऊपर नजर तो होगी। किस उल्लू के पट्टे ने नजर रखी होती उसके ऊपर? उल्लू के पट्टे के नहीं, उल्लू के पट्टे के मैं। सॉरी, तो तुम्हारे जॉब खतरे में कह सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? विनीता ने ओल्ड प्रोटोटाइप और फाइनल डिजाइन दोनों को कॉपी किया था, और हमारे सोर्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क के हाथ में सिर्फ प्रोटोटाइप लगा है, फाइनल डिजाइन नहीं। पर फाइनल डिजाइन्स को कॉपी तो किया गया था, मतलब वो लीक हो सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उस पेन ड्राइव को ढूंढना है जिसमें विनीता ने कॉपी किया था। ठीक है, मेरी टीम को भेज देता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम्हारी टीम को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब ये, तुम पेन ड्राइव ढूंढोगे और तुम्हारी टीम प्रोफेसर की मिसिंग कंप्लेंट पे काम करेगी। पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज तक मैंने मेरी टीम से कुछ बात छुपाई नहीं। पॉसिबल नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। सुनील, समझने की कोशिश करो, अगर हनी ट्रैप वाली बात लीक हो गई तो हमारे देश का नाम बदनाम हो जाएगा। ये बात किस किस को पता है? डॉक्टर दिलज, वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ विनीता कपूर रिसर्च करती थी, और पहले वो हमारे साथ ही काम करते थे, और इसीलिए विनीता को उस कॉलेज में जगह दी गई ताकि उस पर एक नजर और रह सके। सुनील, ये विनीता की मिसिंग कंप्लेंट की फाइल है। अच्छा, कंप्लेंटेंट कौन है? विनीता का बेटा आदित्य कपूर। सुनील, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके यहाँ पर आई। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कुछ भी पता लगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। बाय। सलाम अलैकुम बड़े भाईजान। वो हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, वो भी मेरे साथ ही है, और वो भी यहाँ से वहां आना चाहती है। बड़े भाईजान, जल्दी कुछ करना होगा, और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे भाईजान? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम टेंशन मत लो, 2 दिन में हमारे पासपोर्ट मिल जाएंगे।
सो अरे बैठो बैठो विनीता कपूर एलजे कॉलेज ऑफ साइंस की फिजिक्स की प्रोफेसर मिसिंग है केस हमें सौंपा गया है मिसिंग केस एसआईटी को ऊपर से ऑर्डर है खान कोई इन्फ्लुएंसिंग लेडी होगी सर या चार नहीं चाहनो को मारो चाहनो ये तीनों मिलके केस हैंडल कर देना ये और आप मेरा जरा पर्सनल काम है सर कौन सा क्या तुझे क्या करना है उनका पर्सनल काम है ना ये फाइल ले रख हां कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे फोन कर देना हां सर आज सर ने चाय को ना बोल दिया कुछ तो गड़बड़ है दया जी बोलिए बी.आई. खान मुंबई पुलिस मम्मी जी का कुछ पता चला क्या हमें घर के सारे लोगों से बात करनी है पांच दिन हो चुके हैं मम्मी मिसिंग है और आप अभी भी वही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम दे चुके हैं शांत हो जाए आपके मम्मी का मिसिंग केस अब हमें मिला है मतलब एसआईटी को तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना आप पूछिए आप इनकी भाभी है मेरी शी इज माई एल्डर ब्रदर्स विडो सॉरी आप बोलिए पिछले मंडे मम्मी जी अंबाला जाने वाली थी सेमिनार के लिए वैसे तो महीने में एक बार जाती ही है लेकिन इस पर कुछ अजीब सी बात की उन्होंने फिर राजा रानी एक साथ पल्लवी दादी आ गई ये रख लो ये क्या है रख लो काम आएंगे किस काम आएंगे मेरे आरन का ध्यान रखना आप ये कैसी बातें कर रही है मम्मी जी क्या हुआ है मैं अंबाला पहुंच के तुम्हें फोन करती हूँ मेरे आरन का ध्यान रखना फिर उनको कोई कॉल नहीं आया फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा ये विनीता जी मंडे से मिसिंग है और आपने कंप्लेंट फ्राइडे को की ऐसा क्यों वेंसडे को उन्होंने मेरी बहन श्रुति के फ़ोन में कुछ सेल्फीज भेजी थी और श्रुति ने वो पिक्चर्स हमें फॉरवर्ड की थी ये पिक्चर ये संग्राम तेरे मोबाइल पे ट्रांसफ़र करके ले ले तो आपकी बहन कहाँ है अब वो बेंगलोर में रहती है कल यहाँ आने वाली है पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या मैं एक्चुअली यूएस में रहता हूँ तो ये ज़्यादा जानती हैं लेकिन मम्मी आजकल मेरी जान को खतरा है ऐसा कहती थी डोंट नो व्हाई एक प्रोफेसर की जान को खतरा क्यों कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं मुझे नहीं लगता पर पिछले कुछ महीने से मम्मी जी कॉलेज में रात भर रहती थी शायद कोई रिसर्च चल रहा था उनका ये अंबाला कैसे गई फ्लाइट से टिकट मैंने ही निकाली थी कॉपी है मोबाइल में विनीता जी का कंप्यूटर वो लैपटॉप यूज करती थी उनके कमरे में होगा मैं लेकर आता हूँ एक मिनट अर्चा सर इनके साथ जा चलिए पुलिस आती सब आती सब क्या हुआ एक लड़के को ढूंढ रहा हूं इस एरिया में देखा है इसको हाँ साहब ये तो यही रहता था बिना रेंट दिए भाग गया किसके साथ रहता था एक लड़की रहती थी उसके साथ बोलता था कि उसकी बहन है पर देख के लगता नहीं था उसकी बहन है ये थी सब ये भी आई थी अच्छा कब हो गए 15 दिन साहब आई तब तो अच्छी थी गई तब घबराई हुई लग रही थी आंखें फूट गई है क्या तेरी ताई क्या हुआ क्यों चिल्ला रही है कौन थी वो टीचर है कॉलेज की यहाँ क्या करने आई थी पढ़ाने आई थी अब मैं इतनी भी उल्लू नहीं हूँ साहब पता था टीचर यहाँ क्या पढ़ाने आती थी और वो बहन वो ज्यादा बाहर नहीं आती थी पूछा तो बोली बीमार है पर वो बीमार लगती नहीं थी अच्छा दिखने में कैसी थी मेरे पास फोटो है फोटो दिखाओ क्या अच्छा आपके पास फोटो है मैं सब अपने भाड़े वाले का फोटो खींच के रखती हूँ अच्छा दिखाइए
एनी प्रोग्रेस? हाँ, तुम्हारी हनी ट्रैप वाली बात सही है। वनीता सिकंदर के पुराने ठिकाने पे गई थी, जब वहां से बाहर आई तो डरी हुई थी। तुम समझ सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वहां और एक लड़की थी, उसको जानती हो? नहीं, पर शायद ये भी स्लीपर सेल की हो सकती है। मेरी टीम पता कर लेगी। एक मिनट। बोलो कान। सर, हम विनीता जी के घर पे गए थे इंक्वायरी करने के लिए। सर, वो पिछले मंडे को अंबाला जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने फ्लाइट ही नहीं पकड़ी। लेकिन सर, उन्होंने अंबाला से अपनी पिक सेंड कर दी थी। किसे? अपनी बेटी को, जो बैंगलोर रहती है। सीडिया रिपोर्ट? सर, उनका फोन मंडे 3:30 बजे को ऑफ हुआ, उसके बाद वेनेसडे को कुछ देर के लिए ऑन हुआ था, और उसके बाद से स्विच ऑफ है सर। इसका मतलब पिक भेजने के लिए उन्होंने सिर्फ फोन ऑन किया था। और सर, फैमिली के हिसाब से वो डरी हुई थी, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है। क्या? वो तो हम ढूंढ निकालेंगे सर। लेकिन सर, हमें लगता है उस फैमिली में झोल है कुछ। सर, भाभी जी साथ में? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाजी, मैं संग्राम। भाभी जी को खांसी आई, हाय कैसे बोलेगी वो खान? सर, अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, देखते हैं वहां से क्या मिलता है क्या। हाँ, देखो देखो कुछ मिलता है क्या। देखो एक मिनट, भाभी जी खांसी के लिए दवाइयां लीजिए, वो आती है ना उसका। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। कट कर दिया? इट्स ओके सर, मुझे कॉलेज निकलना पड़ेगा। हाँ? मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर मेरे साथ दिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं और मेरी टीम अंबाला टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वनीता को वहां पे सर्च करते हैं। ठीक है। तुम सिकंदर पे और उस लड़की पे नजर रखो। ओके। उनके पास पेन ड्राइव हो सकती है, तो उनका इंडिया छोड़ने से पहले उनका हमारा हाथ लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, सी यू। टेक केयर। टेक केयर। या बोल भाई को। खान का फोन आया था, मुझे खांसी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए बता रहा था। आहो, लेकिन मुझे तो खांसी हुई ही नहीं है। हाँ, लेकिन खांसी किसे हुई है ये मैं समझ रही हूँ। हेलो हेलो, खान को मेरा काम नहीं है। खान को। आयशा, ये देख हमारे पासपोर्ट आ गए, एकदम असली लग रहे हैं ना। ये सब ठीक है, पर हमारी टिकट क्या है? देखो, हमें जो करना था हमने कर लिया, पर भाईजान हमारी वापसी की टिकट क्यों नहीं भेज रहे? सिकंदर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। क्या? ये रात रात भर जागकर इतना रिसर्च करती थी, कुछ तो होगा इसमें। एग्जैक्टली, उन्होंने या किसी और ने इसमें से सारी फाइल्स डिलीट किए, रिसाइकल बिन में भी कुछ नहीं है। ये सब क्या रिसर्च करती थी? ये विनीता जी किस टॉपिक पे रिसर्च करती थी? मालूम नहीं। अरे आप प्रिंसिपल है ना, आपको पता नहीं कौन आपके कॉलेज में क्या रिसर्च करता है? अच्छा, इस रूम की एक चाबी आपके पास होगी राइट? हाँ। इसकी एक और डुप्लीकेट चाबी होगी? हाँ। किसके पास है वो? वो अरे आपसे बात कर रहा हूँ, किसके पास है चाबी? रिया के पास है। कौन रिया? विनीता की पर्सनल प्यून। कहाँ मिलेगी ये पर्सनल प्यून? क्या भैया, पालक 30 रुपए जुड़ी? अरे कल परसों तो मैं 15 रुपए में लेके गई थी। बहुत महंगाई बढ़ गई है ना, पिछले साल तो 10 रुपए थी। वैसे 20 साल पहले तो 2 रुपए में बिकती थी जोड़ी। वनीता मैडम बहुत अच्छी है साहब, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। मुझे बोली कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और डरे डरे सी रहती है आजकल। घर में कुछ पंगा चल रहा है क्या? पंगा नहीं, लेकिन मैडम चाहती थी के। अरे पल्लवी से शादी करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वो भाभी है मेरी। थी तुम्हारा भाई, हम सबको कब का छोड़ के जा चुका है। मम्मी आप इतना ही चाहते हो ना पल्लवी की शादी कराना, तो हम ढूंढेंगे ना उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड। तुम ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड? अरे एक लड़की जो विधवा है, जिसका बेटा अनस्टेबल है, उसके लिए ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड? आदित्य तुम ही हो जो आर्यन के बाप बन सकते हो, उसे बाप का प्यार दे सकते हो,
मम्मी मैं आर्यन से बहुत प्यार करता हूँ, पर उसके लिए शादी क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम सब एक साथ खुश रहो मेरे मरने के बाद भी। उस दिन घर में ना बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर मैडम ने ना कुंदन भाव को बुलाया। ये कुंदन भाव कौन है? चचेरा भाई है आदित्य भाव का, और वकील है। मैडम के हर प्रॉपर्टी का कामकाज वही देखता है। रहता कहाँ पे? क्या? क्या? मेरा नाम तो नहीं लिया? What the hell? आपको पता है मैं अंडरकवर एजेंट हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। Shit! अरे कब से वेट कर रहे हैं आपका? आप लोग कौन? मुंबई पुलिस। विनीता जी के ऑफिस की एक चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ। तो लैपटॉप वाइप आउट किसने किया? क्या? मुझे क्या मालूम? शक्ल से पीउन तो लगती नहीं है। आप भी शक्ल और अकल से मुंबई पुलिस वाले लगते नहीं हो। अच्छा चल थाने चल। क्यों? मतलब किस लिए? शक्ल और अकल का अच्छा नजारा दिखाती हूँ तुझे। चल। अरे पर मैं चल चल। हर्षा ये कौन है? सर ये विनीता जी की पर्सनल प्यून। इसे क्यों लाया इधर? सर इसको हमारी शक्ल पसंद नहीं आई। और सर विनीता जी के ऑफिस में लैपटॉप है, वो इरेज किया गया है, और इसके पास ही उस ऑफिस की चाबी है। तुम्हारे पास प्रूफ है इसने इरेज किया? नहीं सर प्रूफ तो नहीं है। विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते विदाउट प्रूफ, पता नहीं तुम्हें? सॉरी सर। इसका नाम और नंबर लिया है? हाँ सर ले लिया है। छोड़ दो इसको। धन्यवाद साहब। हाँ जाओ जाओ, मुंबई छोड़ के नहीं जाना। हाँ जाओ। अरे सोई नहीं तू अब तक? जिसका पति अपने कॉलेज के दोस्त के साथ घूम रहा है उस पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? लेकिन जिसका पति काम को भगवान मानता हो उसकी पत्नी ने चिंता करने की जरूरत नहीं, समझी? चल। हेलो। हाँ एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, 20 मिनट में पहुंचता हूँ। मैं जाके आता हूँ। आओ खाना तो खा के जाओ। हाँ सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मैंने आप सबके मोबाइल पे टारगेट की फोटो भेजी, उसे गौर से देख लो। एंड एक बात याद रहे, जब तक टारगेट खुद से फायर ना करे तब तक हमारी ओर से फायर नहीं होना चाहिए। ओके हमें किसी भी हाल में टारगेट जिंदा चाहिए। दैट्स इट, गो। बड़े भाईजान हमसे खफा होंगे। होने दो, वहां से ऑर्डर देने के अलावा उनको क्या आता है? अब हम इस देश में नहीं रह सकते। अरे काम पूरा हो जाता तो क्या, कर लेने देते। तुम्हें जो कहा था वो तुमने किया, अब क्या चाहते हैं बड़े भाईजान? तुमने कश्मीर सेल से बात की? हाँ हमें पहले दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से कश्मीर जाएंगे और फिर वहां से हमें बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। चलो वेपन है। हाँ वो सामने वाली गली सिकंदर वो लड़की वहीं पे है। तुम्हें कैसे पता चला? सर्विलेंस सैटेलाइट से। हमें पता चला कि इस एरिया में एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ था, इसलिए हमारा एजेंट 4 दिन से यहाँ पर नजर रखे हुए था। आज सिकंदर बाहर निकला और हमारा टारगेट कंफर्म हो गया। कब उठाने? अभी के अभी। हेलो सर, विनीता कपूर जी का मर्डर हुआ है। अरे यार कब कहाँ? कसारा घाट पे सर। सर हमने उनका फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया था, तो कसारा घाट पुलिस स्टेशन से हमें रिस्पांस मिला है। हाँ बॉडी तो गवर्नमेंट अस्पताल में, हम वही जा रहे हैं। आप पहुंचिए वहाँ पे। अरे मैं नहीं आ सकता, पर्सनल काम में हूँ मैं। तू उनके फोटोग्राफ निकाल लेना। और पेन ड्राइव ढूंढने के लिए विनीता का या तो सिकंदर का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। विनीता का मर्डर हुआ है। What? सॉरी हमें मालूम है आपका क्या स्टेट है, लेकिन हमें कल्प्रिट को ढूंढना है और इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मम्मी ने अंबाला से पिक्चर्स भेजे थे,
फिर कसारा घाट से। फैमिली में टेंशन थी क्या? देखिए हमें मालूम है कि विनीता जी आदित्य और पल्लवी की शादी करवाना चाहती थी और आदित्य उसके खिलाफ थे। खिलाफ? खिलाफ तो भाभी भी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इनकार कर दिया था इस बात से। उसके बाद वो फोर्स करने लगी और हम फिर भी नहीं माने तो। अगर तुम पल्लवी से शादी नहीं करोगे तो मैं सब कुछ आर्यन के नाम कर दूंगी। मम्मी सीरियसली, आपको लगता है कि मैं इतना ग्रीडी हूँ? मम्मी एक मिनट, आप आर्यन के नाम सब कुछ कर देंगे इसका मतलब पल्लवी को सब कुछ मिल जाएगा, मेरा क्या? मुझे मेरा शेयर चाहिए। क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। मतलब आप हिस्सा मांग रही थी और आदित्य आजादी। आपको पता है आजादी के लिए इस देश में कितने लोग शहीद हुए और प्रॉपर्टी के लिए यहां रोज मर्डर होते हैं? कहीं ये तो नहीं कि आजादी और प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ को? हाउ डेयर यू से दैट। पल्लवी जी आप क्यों चुप हैं? मम्मी जी सबसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो फिर आपने उनको धोखा क्यों दिया? धोखा? मैंने? ये क्या बोल रही हैं आप? विनीता जी के लैपटॉप से हमें एक मेल मिला है जो उन्होंने अपने लॉयर को भेजा था और उस मेल में उनकी विल अटैच्ड है। तो मम्मी जी ने भेजा होगा वेनेसडे को, लेकिन आपकी मम्मी तो मंडे से गायब है। क्या लिखा है उस विल में? उस विल के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी पल्लवी जी को जाती है। वो विल आपने वकील को भेजा था। मैडम प्लीज ना मत बोलना, आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं लैपटॉप के कीबोर्ड पर। आप सोच रही होंगी कि हमें आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले, लेकिन मैडम आजकल आधार कार्ड से सब मिल जाता है। हाँ, हाँ मैंने वो विल बनाई और भेजा, और क्या करती मैं बस अपने आर्यन का फ्यूचर सेव करना चाहती थी और कुछ नहीं, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मेरा यकीन कीजिए, आदित्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, श्रुति अपना हिस्सा मांग रही थी, मैं क्या करती? क्या करती मैं? आप कुछ नहीं कर सकते, अभी जो कुछ भी करना है वो हमें करना होगा, फॉर्जरी के चार्ज में आपको अरेस्ट करना होगा। हर्षा सर। नहीं, मेरे आर्यन का क्या होगा? ऐसा मत करिए। एक्सक्यूज मी, मैं और श्रुति इस बात के लिए कंप्लेन ही नहीं करेंगे, तो आप लोग कोई चार्ज लगा ही नहीं सकते। उस विल में जो भी लिखा है हमें मंजूर है। हुशियार है बंदा। बेटे फिर भी एक सवाल तो बचता है ना, विनीता जी का मर्डर आप तीनों में से किसने किया? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, हम अपनी माँ को क्यों मारेंगे? वो भी समझ आ जाएगा एक बार हमें ये पता चल जाए कि आप तीनों में से कसारा घाट कौन गया था। खान बोलो। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? रिया में बात करनी होगी। सर भी कमाल है, नाइस जॉब गुड जॉब बोल के फोन काट दिया। उनका ध्यान कहीं और है सर। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वक्त हम सर से बात कर रहे थे उस वक्त गोली की आवाज कैसे सुनाई थी। सर मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। दया हर्षा इसका कुछ तो कर। ए साइबर बाबू ये ले, ये तीनों मोबाइल का लोकेशन निकाल और कसारा घाट में इनमें से कौन सा फोन एक्टिव था वो देख। सर मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। सर दिखा। सर ये देखिए, इनकी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इमेज इस नेट से डाउनलोड किए गए बैकग्राउंड पर मर्ज की है और फिर भेजी है। सर विनीता जी अंबाला गई ही नहीं। ए साइबर कुछ नया बता, ये पता है हमें, ये फोटो बनाई किसने है? सर उनकी फोटो पहले श्रुति के पास आई और वहां से आदित्य के पास, और विनीता जी का फोन कुछ देर ही स्विच ऑन हुआ था, वो भी अंबाला में, और डेथ कसारा में। सर इसका मतलब साफ है, कोई उनका फोन अंबाला लेके गया और वहां से फोटो सेंड कर दी। अरे लेकिन इतनी माथा पच्ची किसने की होगी और किस लिए? देखो रिया, जब तक विनीता मिसिंग थी ये देश की सिक्योरिटी का मामला थी, अब उसका मर्डर हो चुका है, नाउ इट्स अ क्राइम, और ये केस मेरी टीम हैंडल कर रही है, तो मुझे लगता है मेरी टीम को बताना होगा कि हम क्या ढूंढ रहे थे। पर सुनील मुझे मालूम है मेरी टीम के बारे में,
बहुत क्लेवर टीम है, हमसे पहले सिकंदर तक पहुंच जाएगी, सिकंदर को उड़ा देगी, कोई नहीं बचेगा जिससे पता चले कि पेन ड्राइव कहाँ है। पर अगर ये बात लीक हो गई तो? नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ मेरी टीम की। सर, पुलिस साइट पर एक न्यूज फ्लैश हो रही है, इंटेलिजेंस की रेड में एक स्लीपर सेल की मौत हो गई और कल हमने गोली की आवाज सुनी। तो तुम्हें क्या लगता है कि सर उस रेड में थे? मेबी। अरे इंटेलिजेंस के रेड में सर का क्या कहा, वो कहीं और थे। सर गोली चली है तो न्यूज तो फ्लैश होनी चाहिए। सर हाँ, वो तीनों मोबाइल का लोकेशन मुंबई ही है। अरे फिर कसारा घाट और अंबाला गया कौन? सर वो मेड कोमल गई होगी। गणेश भाऊ, घर की नौकरानी को मालकिन को मार के क्या फायदा होगा? हाँ फिर सर सुपारी दी गई होगी। उसकी शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लगा? नहीं। अगर सर वो लॉयर? नहीं नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक किया, वो क्लियर है। और वैसे भी पल्लवी ने अपने मर्जी से वो बिल एडवोकेट को दी, तो फिर विनीता जी को मार के पल्लवी को क्या फायदा? फिर तो कोई सस्पेक्ट ही नहीं बचता। सस्पेक्ट है सर, सिकंदर अंसारी। ये कौन है? मैडम बताएगी। अरे ये पर्सनल प्यून। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, मेरा नाम रिया पाटिल है, मैं इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर विनीता कपूर को नजर रखने के लिए हुई थी। अब आगे मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टूड? गणेश बाबू धार लाओ। बेफिक्र रहो ऑफिसर, हम जान दे देंगे लेकिन देश की शान पर आंच नहीं आने देंगे। अब हमें क्या करना है? सिकंदर तक पहुंचना होगा और पेंडर हासिल करना होगा। यस सर। हाँ शमशेर बोलो। अच्छा एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ है। शीर भाई, दिलावर भाई जान ने भेजा। शमशेर मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे गोली लगी है, इस वक्त वो देश से भागने की कोशिश करेगा और हमें यही नहीं होने देना है, समझ गए? एक मिनट, तुम्हारा ये आदमी उसको भाग जाने में मदद कर सकता है? सर मतलब हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन क्यों? खान वो छुपके बैठा है, मरवर गया तो हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले उसको लावारिस समझ के जला देंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो भागेगा? और पकड़ा जाएगा। अब समझ गए। जब तक तू बोलेगा नहीं कि पेनड्राइव कहाँ है, ये उंगली और घुसते जाएंगे। सर मैडम को बोलिए ना, मर जाएगा वो। अच्छा जब शरद क्रॉस करके आया तो उसको मरने का डर था क्या? अरे सिकंदर तुम्हारी बहन कैसी है? बस आपकी और अल्लाह की मेहरबानी है, वैसे तो वो खुद ही हाँ कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर क्या करूँ उसके हालात ऐसे कि वो यहाँ आ नहीं सकती। अरे तो कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं खुद उनसे मिले तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक। बहन कहाँ है तुम्हारी? उन्हें बुलाओ, उन्हीं से तो मिलने आई हूँ मैं। जी वो बस तैयार हो रही है, तब तक आप शरबत पीजिए ना। हाँ तुम भी पियो। जी जी जी। फिर मैंने उसे शरबत पिला के उसे बेहोश कर दिया। फेक डिजाइन दिए ना हमें, अब तू देख तेरे फोटोज कॉलेज में वायरल करता हूँ। प्लीज सिकंदर ऐसा कुछ मत करना। देखो सिकंदर, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, मेरा पोता है सिकंदर, प्लीज। इस बेखुदी से बचना है तो आज रात मुझे ओरिजिनल डिजाइन देगी सिकंदर, प्लीज। समझी? प्लीज। और उस रात उसने तुम्हें पेन ड्राइव दिया, वो पेन ड्राइव कहाँ है? कि तुमने उसे विनीता से क्यों मिलवाया था? क्योंकि आयशा ने तुम्हें हनी ट्रैप किया था। उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि डिजाइन तुम नहीं विनीता बनाती थी, तो सिकंदर ने विनीता को इमोशनली ब्लैकमेल किया और उसमें तुमने उनकी मदद की। विनीता देशभक्त निकली, उसने जो डिजाइन दिए थे वो फेक थे,
तो तुम्हें बाद में ब्लैकमेल करने लगी, जान से मारने की धमकी दी और तभी उसको बोल्ड डिजाइन दे दे। What the hell is this? What have you done? लड़की के चक्कर में फंसाया उन्होंने मुझे, मुझे बेहोश करके गंदी तस्वीरें निकाली मेरी। मेरे साथ भी यही किया उसने। देखो हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो तुमने विनीता को कहा उस डिजाइन की एक कॉपी निकालो, वो आयेशा और सिकंदर को देकर उनका पीछा छुड़वा लेते। तो एयरपोर्ट से अंबाला जाने वाली विनीता कसारा घाट पहुंची वो पेन ड्राइव देने, और वहां तुम भी गए। मैं नहीं। ना मत बोल, तेरा मोबाइल लोकेशन डेटा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि विनीता जी वहां पेन ड्राइव लेके गई नहीं थी। सही कहा ना? पेन ड्राइव कहां है? ए, 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 सस्पेंड करोगे क्या सर? एक घंटे का वक्त दीजिए, आपका पेन ड्राइव मुझे मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अरे आप डरिए मत, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। हमें पता है विनीता जी के कातिल मिल गए हमें, लेकिन हमें कुछ और चाहिए था। उस वक्त आपने हमसे कहा था कि विनीता जी अंबाला जाते वक्त आपको पैसे की बैग देके गई, उस बैग में सिर्फ पैसे थे कि उसके अलावा कुछ और था? हाँ। क्या था पल्लवी जी? आर्यन, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। आर्यन बेटा इधर आओ, याद है आपको दादी ने गिफ्ट दिया था, याद है? वो कहाँ है? अंकल को गिफ्ट दिखा दो। दादी, दादी ने आर्यन को गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट दिया था। बेटा मैं देख सकता हूँ? अंकल, अंकल को गिफ्ट देखना है, अंकल को गिफ्ट देखना है। मैडम ये आपका पेन ड्राइव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबने तो कमाल कर दिया। पहले से मेरी टीम पे भरोसा रखती ना तो केस कभी का सॉल्व हो जाता है। मैडम हमारी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी 100% है। अच्छा सुनील, तुम गौरी को बोल देना कि मैं वापस चली गई। यस ओके। क्या है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।